करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कमला नेहरू पेडियाट्रिक अस्पताल में आग लगी, अस्पताल के आईसीयू में आग लगी है, जहां पर आईसीयू में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। चार बच्चों की मौत बताई जा रही इस हादसे में। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर आरोप लगाए हैं। फिलहाल सूचना मिलते ही दमकल की 8 से 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के चिल्ड्रेन वार्ड में आग लग गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्य जारी है। अभी भी मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद हैं और इस घटना में चार बच्चों की मौत हो गई है, जबकि कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच कमला नेहरू अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे माता पिता ने कहा है कि उन्हें अपने बच्चे की कोई जानकारी नहीं है। घटना को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया है। तो फतेहगढ़ दमकल केंद्र के प्रभारी जुबेर खान ने बताया कि देर रात अस्पताल की इमारत की तीसरी मंजिल पर आग लग गई। मौके पर दमकल की करीब 8 से 10 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। स्थिति जो है बेहद गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि अस्पताल के आईसीयू में आग लगी, जहां पर इस आग लगने की वजह से चार बच्चों की मौत बताई जा रही और कई बच्चे घायल हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे, अंकित पचौरी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित, अभी क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है, चार बच्चों की मौत आग लगने की वजह से बताई जा रही, कई बच्चे घायल हैं, क्या स्थिति है अभी? रात में जो हमीदिया हॉस्पिटल है उसके कैंपस नेहरू कमला अस्पताल में तीसरी मंजिल पर ये बच्चों के वार्ड में ये आग लगी, जिसके कारण चार बच्चों की मौत यहाँ पर हो गई है। परिजनों ने आरोप दीप सिंह यहाँ पर लगाया है कि उनको उनके बच्चों की जानकारी नहीं दी गई। साथ ही जो है अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही बरती, जिसके चलते ये बड़ी घटना यहाँ पर घटित हुई है। अभी फिलहाल मौके पर जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग को वहां पर पहुंच गए हैं, जायजा ले रहे हैं। उस वार्ड में लगभग 40 बच्चे भर्ती थे, जिसमें से चार लोगों की मौत हो गई, चार बच्चों की मौत। तो अभी फिलहाल स्थितियों का जायजा ले रहे हैं विश्वास सारंग और अधिकारियों से और अस्पताल प्रबंधन से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये घटना घटित हुई है, क्या कारण घटना घटित होने के रहे। दीप सिंह, अंकित, अभी इस पूरे मामले पर पीड़ित परिजनों का क्या कुछ कहना है कि जाहिर तौर पर ये वक्त जो है उनके लिए बेहद चिंताजनक है। बिल्कुल दीप सिंह, ये बेहद दुखद घटना है और जो बच्चे हैं उनके माता पिता उनके अभिभावकों के लिए ये निश्चित तौर पर ये बड़ा चिंता का विषय है। उनको उन बच्चों के माता पिता हैं, उनका गंभीर आरोप रहा है अस्पताल प्रबंधन पर कि लापरवाही के कारण ये घटना घटित हुई है। अंकित, क्या जानकारी मिल पा रही है कि आग किन वजहों से लगी है अस्पताल में, और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का क्या कोई बयान सामने आया है? दीप सिंह, शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये आग की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 7 अक्टूबर को भी दूसरी मंजिल पर जो हमीदिया अस्पताल है उसमें उसके स्टोर रूम में आग लग गई थी, तो ये दूसरी घटना है। हालांकि उस समय कोई हताहत होने की बात सामने नहीं आई थी, सिर्फ आग लगी थी, आग पर काबू पा लिया गया था। लेकिन आज कल रात को जो घटना हुई जिसमें चार बच्चों की मौत हो गई है, अभी फिलहाल सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट करते हुए इस मामले पर पूरी नजर बनाए रखने की बात कही है। साथ ही एक एसीएस को इस पूरे मामले की जांच यहां पर सौंप दी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर विषय मध्य प्रदेश में बड़ी घटना ये हो गई, जिस पे सीएम शिवराज ने तत्काल प्रभाव से ट्वीट करते हुए ये कहा है कि इस मामले की जाँच एसीएस यहाँ पर करेंगे, साथ ही पूरी घटना पर पूरी जांच पर नजर सीएम शिवराज। अंकित, आप जरा बताएं कि जहां पर अस्पताल में आईसीयू में जहां आग लगी थी वहां कुल कितने बच्चे थे और अभी कितने बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई जिनका इलाज जारी है? देखिए दीप सिंह, हमीदिया अस्पताल का कमला नेहरू अस्पताल की ये बिल्डिंग है, तृतीय तल पर तीसरी मंजिल पर ये आग लगी, जो बच्चों का आईसीयू वार्ड था, तो मान सकते हैं बिल्कुल कि गंभीर पहले से ही बच्चे जो यहाँ पर जो भर्ती थे वो कहीं ना कहीं बड़े गंभीर हालत में यहाँ पर स्थिति में भर्ती थे। 40 बच्चों का भर्ती होना यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसमें से 36 बच्चे जो है वो सुरक्षित यहाँ पर निकाल लिए गए। साथ ही समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई थी दीप्ति के, जब बिल्डिंग में आग लगी तो पूरी पावर सप्लाई बंद करनी पड़ी, जिसके चलते जो अन्य जो वार्ड थे, जो अन्य जो मरीज थे, उनके भी जो उपकरण जो यहाँ पर थे, इलेक्ट्रिकल उपकरण थे, वेंटिलेटर की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, वो सारी चीजें बंद हो गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत का सामना कल रात को हमीदिया अस्पताल में करना पड़ा।
कि जब बिजली यहाँ पर सप्लाई बंद की तो और जो वार्ड थे वहां पर भी जो उपकरण थे वो चलना यहाँ पर बंद हो गए थे। तो 40 बच्चे तमाम जानकारी के लिए अंकित बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, अपनी नजर बनाकर रखिए, क्योंकि अभी भी 36 बच्चे जो हैं, बताया जा रहा कि उस वार्ड में कुल 40 बच्चे थे जिनमें से 4 बच्चों की मौत हुई है और 36 बच्चों को बाहर सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन अभी उनकी हालत गंभीर है और उनका इलाज जारी है।